मैं साजिदा खान हूँ, मैंने इस फिल्म में काम किया है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है, सबकी मेहनत है और एक हटके है, तो बहुत मज़ा आया काम करके जावेद जी के साथ और रविंद्र जी के साथ और सबके साथ करके बहुत अच्छा लगा। हटके इट्स अ मिस्ट्री लाइक लव स्टोरी, इट्स अ लव ट्राइंगल, तो सब कुछ बता दूंगी तो मज़ा क्या आएगा, जस्ट सॉ द मूवी। मेरा किरदार है जो मेन लीड जो है उसकी मदर का कैरेक्टर मैंने किया है, इट्स अ साउथ इंडियन कैरेक्टर, सो इट्स ऑल्सो वेरी नाइस एंड नोटिसेबल कैरेक्टर। मैंने एक्चुअली क्या था कि वो किरदार को पहले मुश्ताक खान अदा कर रहे थे और उसमें हमने एक बहुत बड़े इनक्वालिटी की बात किया था, तो मुश्ताक जी ने बोला कि नहीं शाहिजा जी बहुत अच्छी एक्टर हैं और मैं चाहता हूं कि मेरे अपोजिट में मतलब आप उनको लीजिए। तो मुश्ताक जी के बोलने पर मैंने कहा कि चलिए, मैं देखा और जब मैंने इनसे बात किया तो बाकी मेरे को लगा कि ये वर्सेटाइल एक्टर हैं तो इनको मैं ले लिया। वो कोइंसिडेंट है कि मुश्ताक जी का उस समय टीवी का शूट चालू था और वो टाइम नहीं निकाल पाए, तो हमको इमीडिएटली वो कैरेक्टर पे दूसरे योगी जी को लेना पड़ा हमको, बट इन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग किया है और आप लोग सब देखने के लिए आइए फिल्म वन नाइट आउट, जिसमें जावेद जी का एक लीड कैरेक्टर है और कमीना महाजन का लीड कैरेक्टर है, संध्या दुबे का लीड कैरेक्टर है और मैडम का भी शुरू से लेकर आखिरी तक का रोल है इसमें। बहुत ये नेक्स्ट मंथ में प्लान कर रहे हैं इसको रिलीज़ करने के लिए, नेक्स्ट मंथ में प्लान कर रहे हैं। ये तो मैं आपको कम मिनिमम तो कम से कम 550 थिएटर्स हम रिलीज करेंगे पहले, ये प्लान है हमारा, और उसके बाद में नेक्स्ट वीक से हम मतलब और भी थिएटर्स बढ़ाएंगे, जैसे कि एक प्रोसीजर होती है क्योंकि हम लोगों की बहुत बड़ी लाइबिलिटीज़ होती है और पहले भी चार्जेस वगैरह कुछ ज़्यादा रहते हैं, तो इसके लिए पहला मैं इस ढंग से प्लानिंग है, पूरा प्लानिंग किया हुआ है और भी प्रमोशंस का और भी सब। थैंक यू।